हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शू भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक इंसान था 70 के दौर के अंदर और बहुत बड़ा स्टार था। उसका नाम था धर्मेंद्र देओल। और जब वो एक मूवी के अंदर आए थे और बहुत बड़ी मूवी थी शोले, और बोला जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूवीज़ में से एक मूवी है वो, और बहुत बड़े 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 पैसे कमाए थे। उस समय के अंदर क्या हुआ था कि हीरोज़ तो जो फेमस हुए सो हुए, लेकिन गब्बर सिंह बहुत फेमस हो गया। इतना फेमस हो गया कि वो उसने हीरो से ज़्यादा लाइमलाइट ले ली। और आज उनके सुपुत्र के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बॉबी देओल के साथ, कि जिस मूवी के अंदर आता है वो हीरो से ज़्यादा फेमस हो जाता है। एंड बोलते हैं ना कि वो हीरो जो होता है वो इतना चमक रहा होता है, उसकी नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि भाई कहीं से भी वो दिख जाता है। तो जो ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं जिस तरीके का पोस्टर है, इतनी भीड़ भाड़ में भी यू कैन स्पॉट द बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी देओल। जिस तरीके की लुक है, एक आंख जो है वो जिसे कहते हैं पत्थर की आंख है, और वो एक कबीले का सरदार टाइप है। उधिरन उसका नाम बताया गया है, और वो बिल्कुल रूथलेस है, वो छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको सूर्य को बड़ा दिखाना है तो सूर्य से भी खूंखार आपको एक बढ़िया एक्टर चाहिए था, जिसके एक्सप्रेशन, जिसका डील डॉल इस तरीके का हो। एंड हु बेटर देन बॉबी देओल। अब इतना पावरफुल जब विलन आता है तो मेरे को जेन्युइनली एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा मेरे दिमाग के अंदर, सूर्या हाउ विल यू बीट हिम, बिकॉज ही इज जस्ट नेक्स्ट लेवल क्रेजी। और हमने देख लिया कि छोटे मोटे सीन्स को ही कैसे ये एलिवेट कर देता है एनिमल के अंदर, और लोग वेट कर रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स से नाराज हो गए हैं कि हमें बॉबी देओल का एक्सटेंडेड कट देखना था, हमें क्यों नहीं दिखाया। बट एनी वेज, ये जो जिस तरीके का पोस्टर है, इट सेज अ लॉट अबाउट द करेज ऑफ द एक्टर ऑल्सो, बिकॉज जो करेजियस एक्टर होता है वो बोलता है कि मैं किरदार को ऐसा प्ले कर दूंगा कि चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप मेरे को फिर भी प्यार कर लोगे। वो मेरे, अगर मैं सर के ऊपर ग्लास रखूंगा विस्की का, वो भी पॉपुलर हो जाएगा। चाहे मैं इस तरीके की एक पत्थर की आंख लगा के आ जाऊँ, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो जाऊँगा। तो मुझे ये जो पोस्टर अभी आया, अभी तक की जितने कंगुआ के पोस्टर आए हैं, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और मुझे ऐसा लगा कि देर इज ट्रूली अ थैनोस इन दिस स्टोरी, जिसको बीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। और तब जब हीरो जीतता है तो फिर मज़ा आता है देखते हुए कि या हीरो के पास कुछ एक वो लास्ट पैंतरा था, यंत्र था, ताकत थी, जिससे वो उसको बीट कर पाया विलन को। बाकी आपको कैसा लगा बॉबी देओल के बर्थडे वाले दिन ये रिलीज हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एवरीबडी एल्स इज प्रेजिंग, बट आपका व्यू पॉइंट क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।